सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, बुराई पर अच्छाई की जय जयकार, यही है दशहरे का त्योहार। दहन पुतलों का ही नहीं बुरे विचारों का भी करना होगा, श्री राम का करके स्मरण, हर रावण से लड़ना होगा। दशहरे का यह पावन पर्व हमें अच्छाई की ओर आगे बढ़ने और बुराई से बचने का संदेश देता है। आज का पंचांग 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 3:14 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र दोपहर 3:28 तक रहेगी। इसके उपरांत सद्भिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:04:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पंचांग के अनुसार इस साल दशहरे के दिन रावण दहन का समय 24 अक्टूबर की शाम को 6:35 से लेकर रात 8:30 के बीच रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:58 से 2:53 तक रहेगा। कुलोधिप 45 मिनट। अपहरण पूजा का मुहूर्त दोपहर 1:13 से 3:28 तक रहेगा। कुलावधि 2:15। रावण दहन का समय संध्या काल 6:35 से रात्रि 8:30 तक रहेगा। कन्या राशि 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार, आज आप खरीदारी संबंधित किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपके चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका ना दें। अभी आपका ध्यान भौतिक चीजों पर है। आपके कपड़े आभूषण सभी फैशन और रचनात्मकता से आपके प्यार को दर्शाते हैं। जीवन में जो भी मिले उसका मजा लें, जैसे अच्छी कंपनी और अच्छा भोजन। आप अभी दोस्तों और प्रतिभाओं में समृद्धि महसूस कर रहे हैं। अपने रोजाना जीवन से कुछ समय निकालें और नेट सर्फिंग, छोटी यात्रा या पार्टी करें, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। प्रियजनों का साथ इस आनंद को और अधिक बढ़ा देगा। खुद पर भरोसा रखें और इस समय का मजा लें। कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक आप उस काम की शुरुआत नहीं करते। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपका मन खुश कर देगी। आप पैसा बना सकते हैं, बशर्ते आप अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश करें। आपको आश्चर्य में डालते हुए आपके बचाव में आपका भाई आगे आएगा। आपको एक दूसरे की खुशी के लिए आपसे सहयोग और साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। याद रखिए कि सहयोग जीवन का केंद्र बिंदु है। आपका होना इस दुनिया को आपके प्रिय के लिए रहने के काबिल बनाता है। वक्त से हर काम को पूरा करना ठीक होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाते हैं। अगर आप हर काम को कल पर टालते हैं तो अपने लिए आप कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलखिलाते हैं, लेकिन आज जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगे। जब आपके परिजन सप्ताह में आपको कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन शांत रहना आपके फायदे में साबित होगा। आज कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी, साथ ही मेहनत के 100% परिणाम भी मिलेंगे। पिछले कुछ समय से चल रही किसी व्यक्तिगत समस्या का निवारण होने से तनाव मुक्त महसूस करेंगे तथा अपने वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दे पाएंगे। परिवार के लोगों की नई जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेगी। हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश आपके व्यक्तिगत जीवन में समस्या बढ़ाएगी। अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बोले, अपनी गलतियां समझें और सुधारें।
काम से जुड़ा निर्णय लेते समय किसी बात को नजरअंदाज न करें, वरना काम दोबारा करना पड़ेगा। पार्टनर अपनी क्षमता के अनुसार आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। योग के जरिए तकलीफें दूर हो सकती है। आपके अटके काम पूरे होंगे। साथ ही जो लोग पिछले कुछ समय से आपके खिलाफ हैं, वे आपके पक्ष में आएंगे। इस समय अपनी प्रतिभा को पहचानें और अपनी दिनचर्या में सुधार करें। दिखावे से बचे, अपनी योजनाओं को साझा ना करें। आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं। सावधानियां, किसी भी परिस्थिति में अति आत्मविश्वास और ईगो की स्थिति से बचें तथा अपने स्वभाव में सरलता और सौम्यता बनाकर रखें। मित्रों के साथ आज प्रयास करते समय मान मर्यादा का भी ध्यान रखें। आपकी किसी नकारात्मक बात की वजह से कुछ लोगों के साथ संबंध खराब भी हो सकती हैं, ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप विशेष रूप से आशावादी और कूटनीति महसूस कर सकते हैं या कर रहे हैं, इसीलिए आप अपनी परिवार या अपने रिश्ते की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम होंगे। आपका साथी आपके बारे में गलत सोच सकता है और लंबित पड़ी हुई शिकायत के साथ आ सकता है, लेकिन आप सहानुभूति से आसानी से इस समस्या को सुलझा लेंगे, जिससे कि आपका रिश्ता और मजबूत होगा। सहयोगियों या पड़ोसियों से संबंधित समस्याएं इस चरण को तनावपूर्ण बना सकती है। अपने साथी को खुश रखें ताकि आपके प्यार की बगिया और भी महके। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ना ले और एक दूसरे पर भरोसा करें, ताकि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन आपका बंधन अटूट रहे। आप आज अचानक किसी खास के लिए प्यार महसूस करेंगे। आप दोनों आज कुछ वक्त साथ बिताएंगे और इस साथ का मजा लेंगे। आप अपने साथी से आज किसी अप्रत्याशित जगह मिल सकते हैं। अपने साथी के साथ सब कुछ शेयर करें, यहाँ तक कि अपने पर्सनल बातें भी। प्यार के साथ साथ आप दोनों का विश्वास भी बढ़ेगा। बात करते हैं करियर की। कला आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिससे आप न केवल अपना करियर बना सकते हैं बल्कि आपको अलग पहचान भी मिल सकती है। किसी यात्रा की योजना का रद्द होना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। हमेशा अपने सपनों का अनुसरण करें, सफलता आपकी ही होगी। अब समय है अपने रोजाना के कामों से ब्रेक लेने का। नेट सर्फिंग, छोटी यात्रा या पार्टी करना आपके मूड और स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अपने परिवार के सदस्य आपको और भी प्रफुल्लित करेंगे। आज अपने गुणों के कारण आप सबके आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं। जीवन में गलतियां ना ढूंढें बल्कि उनके उपाय ढूंढें। आज आपको विभिन्न भूमिकाओं का क्रियान्वयन करना पड़ सकता है, इसीलिए दोस्तों से मदद लेने में संकोच ना करें। वे सफलता के रास्ते पर आपको एक मजबूत समर्थन दे सकते हैं। छात्रों के लिए ये एक अच्छा दिन हो सकता है और उन्हें एक प्रतिष्ठित संस्था से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त हो सकती है। इन स्थितियों की वजह से उच्च भुगतान नौकरियों में अवसर भी बढ़ेंगे। बिजनेस में काम की जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी, मेहनत भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन फाइनेंस संबंधित कोई समस्या का हल भी मिल सकता है। सरकारी नौकरी में मौजूदा हालातों के कारण काम ज्यादा रहेगा, ओवर टाइम भी करना आपको पड़ सकता है। बात करती हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु बदलते मौसम की और पॉल्यूशन की वजह से अपनी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना भी जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से आप स्वास्थ्य की समस्याओं से लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप आज इनके लिए कोई संतोषजनक तरीका खोज पाएंगे। ध्यान रखें कि कोई भी तरीका समय तो लेता है, आपको धीरज तो रखना ही होगा, लेकिन यह भी तय है कि अगर आप नियमों का सही से पालन करेंगे तो काफी हद तक अपनी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। आज का उपाय। आज आप दशहरा की पूजा अभिजीत, विजयी और अपहरण काल में ही करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।